अपनी राम प्यारी वापस मिल रही है अपने को। वो जूने दरवाजे को जिसने भी ठोका था ना, अभी तक उसको बदवा देता हूँ। अपन सस्पेंस सस्पेंस खेलते हैं, साइड पर अपने साथ खेल रहे सस्पेंस सस्पेंस। वो ज्यादा ही खेल रहे हैं। 3, 2, 1। ये तो कलाकारी है भाई, वो खतरनाक दिख रही है बाहर से। हाँ साहिल भाई, अभी निकल रहा हूँ। कितना होने वाला फिर भी लेट? ठीक है ओके। गौरव जी, ये बढ़िया है। 18 घंटे हो चुके हैं लाइट जाके, अभी तक घर में लाइट नहीं आई है। हम लोग का जो बिल्डिंग का केबिन जो होता है ना, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से लाइट ना होने की वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप लोग को पता होगा मेरी राम प्यारी, हमारी फॉक्सवैगन पोलो हमने दिया था मॉडिफिकेशन के लिए, और फाइनली आज जाके मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। साहिल भाई का भी फोन आया था, आपने सुना, हमारी बात हुई थी 12 बजे निकलने की। कॉल करके साहिल भाई ने 1-1 घंटा पोस्टपोन्ड किया है, और अब जाके टाइम हो रहा है 5। अब वो कह रहे हैं कि आधा घंटा और वेट करने के लिए। साहिल भाई कह रहे थे कि मतलब देखोगे तो मजा आ जाएगा, और उम्मीद है जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि साहिल भाई का काम बहुत बढ़िया है, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। अब देखते हैं कि अपनी गाड़ी पे क्या काम हुआ है। ओहो, आर्या इज हियर, आर्या चलेगा साथ में, शफीक चलेगा, शफीक भी ठीक से दिख नहीं रहा है, या गौरव जी भी चलेंगे। भाई लोग, अपनी राम प्यारी वापस मिल रही है अपने को, एक्साइटमेंट है ही नहीं, पूरा चेंज। मोबाइल का फ्लैश लाइट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसका एक इफेक्ट अलग आता है। ओके, साहिल भाई ने अभी तक मेरे को एक पिक्चर भी नहीं भेजा है जब से मॉडिफिकेशन हुई है। मैं उनको बोला था कि जो काम हुआ है थोड़ा थोड़ा भेजते रहो, पता चले कैसी दिखती है। मैंने नहीं देखा है कि कलर कैसा हुआ, मैंने नहीं देखा है कि इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ है, मैंने कुछ नहीं देखा, और इन लोग ने भी कुछ नहीं देखा है, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और साहिल भाई अभी जो टाइम ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ना वो ऐसा करने वाला है जैसे कि नई गाड़ी में लेने वाला हूँ, तो वो हमारी राम प्यारी समझ जो नई हो गई है अभी, तो हम लोग पूरा सेलिब्रेशन करेंगे वापस से डिलीवरी। शादी होती ना, हाँ, तो दुल्हन को विदा करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद लेने जाते ना, तो हम चौथी जा रहे अस्सलामुअलैकुम बाबा। शफीक और गौरव दोनों साथ में कहीं तो जा रहे थे। शफीक को गौरव को पीछे बैठाना था गाड़ी के, शफीक का ध्यान नहीं था, शफीक को लगा कि गौरव पीछे बैठा हुआ है, और वो बाइक निकाल के निकल लिया आगे। ऐसे रास्ते में बात बात कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि गौरव पीछे बैठा हुआ है जैसे अभी बैठा है, लेकिन जब थोड़ा आगे पहुंच गया वो पेट्रोल पंप के पास, तो उसको रियलाइज हुआ कि अरे पीछे गौरव नहीं है, तो फिर वापस आया गौरव को लेने के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तेरी शादी हो गई और तू ऐसे बीवी भूल के चले गया तो कैसे चलेगा यार, बारिश आएगी यार, खतरनाक आएगी बारिश, अंधेरी साइड में भी बारिश हो रहा होगा, बारिश हो जाएगा तो कहीं हम रुक जाएंगे भाई। ये टाइम ट्रैफिक का है जाने वालों के लिए, और अभी टाइम हो रहा है, घड़ी भी पता नहीं घड़ी को क्या हो गया, टाइम हो रहा है 5:50। अंधेरी पहुंच गए और बारिश शुरू हो चुका है, तो हमारे पास अभी रेन गियर्स कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की सी बारिश है, मतलब अगर इतनी ही रही तो हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में, अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो फिर हमें रुकना पड़ेगा। हमारा जो महंगा कैमरा, महंगा लेंस जो है, भीगने का डर है, बादलों को देख के लग रहा है कि तगड़ी बारिश होने वाली है। बारिश से मरमुराते हुए हम लोग पहुंच गए साहिल भाई के वर्कशॉप में, नया वाले थोड़ा ऊपर से नीचे तक दिखाओ ना यार, कैसे पहुँचे? हाँ तू भी यार, ये देखो मेरे जूते, मेरा पैंट, टी शर्ट, मैं, तू भी, सब बिक चुका है। चलो भाई कहाँ से जाना है अपने को? मेन गेट से एंट्री नहीं है बोलते, मेन गेट से नहीं है ये, अपना जूना दरवाजा अपना ही है। ठीक है, वो जूने दरवाजे को जिसने भी ठोका था ना, अभी तक उसको बदवा देता हूँ। एक बूंद भी पड़ गया तो खतरनाक। बचा 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 बचा, जान प्यारी नहीं है, कैमरा प्यारा है। मैंने साहिल भाई को बोला था कि थोड़ा थोड़ा काम होगा ना, अपने को पिक्चर भेजते रहो, अपने को पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है। इन्होंने एक भी पिक्चर नहीं भेजा, और इन्होंने मतलब तो स्टोरी डाला भाई, वो भी जब पेंट हो रही थी तब, और उसके बाद थोड़ा बहुत दिखाया बस, और कुछ भी नहीं दिखाया हमने। चलो अब देखते हैं, अब सही में देखने में मजा आएगा, रिएक्शन का ही मजा है और कुछ नहीं है, तो रिएक्शन ऑडियंस का भी और आपका भी। मेन स्नीक पिक से तो लग रहा है बहुत बढ़िया बना है। देखते हैं, अभी वेट करते हैं फिर, और इतना वेट करवाया इन्होंने, और वेट करते हैं। ये अपने बंदे लोग हैं, इनके साथ अपने को एक ट्रिप प्लान करना। कितना डिले हो रहा है, पब्लिक भी बोल रही है इन लोगों के साथ ट्रिप पे जाते नहीं है, खुद ही जाते हो ट्रिप पे, उसको लेके पब्लिक ज्यादा सेंटिमेंट है। वो शफीक मालूम, उसको थोड़ा भी डांट दो ना, पब्लिक अपने पास आती है, क्यों डांटे, जमीन पे क्यों सो रहा है। उसको अच्छी बाइक दो। चलो देखते हैं अभी कैसा है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ना, तो ये जो छोटा सा ऑफिस है ये बन रहा था, और अभी ये बन के रेडी हो चुका था, काफी खूबसूरत बनाया है यार।
और यहाँ पर साहिल भाई के वर्कशॉप में जितने भी कैमरे है ना सब यहाँ पर है और ये दो नहीं चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो जो है वो अंदर का कैमरा है और इन्होंने जानबूझ के बंद रखा ताकि मैं ना देखूं। अपन सस्पेंस सस्पेंस खेलते हैं, साहिल भाई अपने साथ खेल रहे सस्पेंस सस्पेंस वो ज्यादा ही खेल रहे हैं, इतना ज्यादा खेल रहे हैं कि कैमरा ऑफ कर दिया है। पूछते हैं ये सही में उसके लिए कैमरा ऑफ किया गया या फिर ऐसे ही ऑफ है। वो जो दो कैमरा था वो अंदर का नहीं है, वापस जाएंगे हम सामने से एंट्री करेंगे। चलो सस्पेंस सस्पेंस यहाँ होता है खत्म। कैमरा में दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ये हेडलाइट है। सही है, चलो ले ये तुम्हारा शूटर। ओहो सही, अरे मेरी एक बड़ों को मम्मी का फोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मम्मी अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोटी चलेगा? हाँ खाया खाया हमने, हाँ वो भी अच्छा था। और राइट क्या बोलते पब्लिक खींचेगा, खींच दो खींच दो खींच दे। मम्मी का बोलो मम्मी, मम्मी चार रोटी दे दो, चार पांच रोटी दे दो। ठीक है ओके चलो तैयार पब्लिक खींचो, 3 2 1। चार गिन के रिक्वायरमेंट बताया थे इन्होंने, तो पूरा चेंज कर दिया भाई, पूरा ही करना पड़ेगा ना। लेकिन कलर बहुत सही लग रहा है जो सिलेक्टेड था एज इट इज। ये कलर का नाम क्या था? सैटिन सैटिन रेड सैटिन रेड सैटिन रेड शेड अंदर भी है थोड़े बहुत, अंदर से तो स्पोर्ट्स कार लग रही है। ओ हो साहिल भाई, साहिल भाई ये दिल खुश हो आपका, बस वो है ये तो कलाकारी है भाई। म्यूजिक सिस्टम चेंज, सीट कवर चेंज, नेक्स्ट लेवल है भाई। नया है ड्रोन, बहुत पावरफुल है भाई। भाई ये तो लगी नहीं रही अपनी गाड़ी, स्क्रैच भी जल्दी आएगा ना इस पर। हमारा मैजिक हमने किया है, उसे कहते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। चाबी, चाबी को क्या किया है? कवर है, कवर। चाबी तक को नहीं छोड़ा भाई। एलईडी से लेके सब कुछ वाइट है आपका, पीला कुछ नहीं रहा। वाइट में पकड़ेगी नहीं पुलिस? नहीं नहीं। degrees I left that jacket in my closet. Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. Are you ready? ये जो कलाकारी आपने की है ठीक है, मेन मेन जो काम है ना ठीक है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ओके, पेंट सबसे पहला मेन है। पेंट हो गया मतलब पहली चीज हमने रेस्टोरेशन किया गाड़ी, जैसे कि आपकी जो दरवाजा था, आपका फेंडर था, कि नीचे का अलाइन बॉडी था, वो सब को हमने पहले प्रॉपर किया, अलाइन किया उसको। उसके बाद हमने डोर ट्राई किया रिपेयर करने का, बट वो रिपेयर नहीं हो पाया तो हमने नया डोर डाल दिया सेम क्वालिटी का, और फिर हमने उसको पूरा एग्जैक्ट, अभी हमारे इसमें लंबी पट्टी बोलते हैं उसको, उसके बाद हमने फिर पेंट किया। हमारे यानी सब जगह ये बोलते हैं लंबी पट्टी, सब जगह का यही सीन है। फिर उसके बाद पेंट करने के बाद आफ्टर 6 डेज हमने इस पर सिरेमिक किया, क्योंकि जैसे पेंट करने के बाद हम डायरेक्ट सिरेमिक नहीं कर सकते क्योंकि पेंट डल हो जाता है, उसके बाद सिरेमिक करके इस पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाया, तो उससे क्या स्क्रैचेस कुछ भी आपकी गाड़ी पर जल्दी आते नहीं है। और उसका 10 ईयर्स तक का वारंटी रहता है आपको, एज इट इज गाड़ी 10 साल तक दिखेगा। उसके बाद फिर हमने आफ्टर मार्केट किट डाला है टाइप 2 पोलो का, फिर टेल लाइट डाली है गोल्फ की, फिर आर लाइन का बम्पर डाला है, आर लाइन का हमने ग्रिल डाला है, हेडलाइट डाला है, स्पॉइलर शार्क फिन, फिर इंटीरियर में हमने 70 मैट्स डाला है नापा लेदर का, और ओरिजिनल प्योर लेदर की सीट्स डाली है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड का। चलो देखता हूं अभी सब समझता हूं, देख के इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, और इतना बढ़िया काम है आपका भाई, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए है कि नहीं? जरूर। अच्छा वैसे काफी लोग जानते हैं आपको, जब मैं मॉडिफिकेशन के लिए ऐसे लोगों को बोला था ना, काफी सारे लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था कि साहिल भाई को कांटेक्ट करो आपका काम हो जाएगा, और सही में काम हो गया है भाई, बहुत बढ़िया और बहुत ही सैटिस्फैक्टरी मेरे को काम लगा है। अब जो एक दो काम बचे हैं वो अपन तो करते रहेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये काम को देख के कि कुछ टाइगर का भी करूँ मैं। जरूर कल ही लेके आ जाएगी। अब इसको लेके कहीं घूमने के लिए जाएंगे, थोड़ा टाइम में डिले हो गया बट काम अच्छा हो गया। हाँ डिले वाला तो छोड़ दीजिए। तो फिर मतलब अगर आपको लोगों को कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और आप एक जो रहेगा आप नंबर दे सकते हो, कुछ नहीं। साहिल खान डिजाइन, हाँ साहिल खान इनका इंस्टाग्राम का पेज है, अगर किसी को कुछ काम हम करवाना है तो इधर साहिल भाई हाजिर है एनी टाइम बाकी और क्या ही बोलूं।
साहिल भाई, ये जो आपने सरप्राइज दिया मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फुल ऑन एकदम जो फील आ रहा था कि नई गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं। अभी राम प्यारी 2.0 हो चुकी है ये, पता है ना गाड़ी का नाम? हाँ मालूम है ना, कमेंट में सब यही फील रहे होंगे। चलो फिर मैं निकलता हूँ साहिल भाई। आ रहा यस सर, टिक विक के जाना है वापस। तुमको टिमोन लेके जानी है? हाँ कोई बात नहीं। साहिल भाई चलिए, चलो फिर मिलते हैं, मिलते जल्दी। टाइगर लेके आ जाएगी, अब टाइगर लेके आएंगे। अभी हम मैं और साहिल भाई डिस्कस कर रहे थे कि टाइगर में क्या कर सकते हैं। हो गया डिस्कस, हो गया बस। वो भी डेंजरस बनेगी। डेंजरस, फुल ऑन डेंजरस। कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी आप सबको गाड़ी। साहिल भाई बोल रहे हैं कमेंट डाउन बिलो, तो कमेंट डाउन बिलो। बहुत दिनों बाद पहली बार राम प्यारी चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और हमारे आर्या चला रहे हैं बारिश में भीग भीग की हमारे टिमोन को। ऐसा देख के थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे उन्हें, लेकिन यहाँ से ऐसे देख के लग रहा है कि बारिश के फुल मज़े लिए जा रहे हैं। और राइट साइड वाले फ्रंट टायर में ना हवा कम है। तभी मैं पेट्रोल पंप पे रुका था, पेट्रोल भराया मैंने और हवा जो मशीन था वो ख़राब हो चुका था। तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कोई अभी तक हवा भराने वाला मिला नहीं है। इधर आर्या मज़े कर रहा है, वो खतरनाक दिख रही है बाहर से, लाइट्स वगैरह बहुत खतरनाक है। सही दिख रही है, बहुत ही ज्यादा सही है। शीशा बंद कर लेता है तो पूरा पानी पानी हो गया, वैसे सीट पे यहाँ पर हो गया पानी पानी। बस एक हवा वाला मिल जाए उसके बाद फिर सॉर्टेड है, चिंता थोड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा कम था मैंने देखा था। बारिश इतनी खतरनाक हुई है ना, पानी भर गया यार। एक घंटा हुआ होगा कि बारिश हो रही है जम के और एक घंटे में पानी भर गया। और ऐसे नहीं कि एक जगह, अभी मैं हाईवे पर आ रहा था, हाईवे पे काफी सारी जगहों पे पानी भरा हुआ। मुंबई मेरी जान। सबसे पहली बात तो ये कि घर में लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब जीवन ठीक से कट सकते हैं, तो आज भी गर्मी में सोना पड़ता है। एंड दूसरी बात, गाड़ी में छोटे मोटे काम है, साहिल भाई के पास एक दो चक्कर और लगेंगे। बहुत अच्छा काम किया साहिल भाई को, काम आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तीसरी चीज, आएगा कि नहीं आएगा? मैं बोला था बोलते बोलते आएगा, तो आया ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, डांटूंगा तो लोग बोलेंगे डांटता है। अरे कैमरे पीछे रहना पड़ता। जब से मैं रशिया से आया हूँ, मुझे अपने ऑफिस वाले के साथ एक ट्रिप पे जाना था। मैं वेट कर रहा था कार का, कि कब कार मिले और कब निकले। कार तो आ गई है, इसके लिए मैं खुद गया लाने के लिए। अभी कार आ गई है, निकल जाते चट मंगनी पट बिहा, निकल जाते कल ही निकल जाते। क्या बोलता है? सही है ना? सही है, मर जाएंगे। तो ठीक है, फिर कल देखते हैं कहाँ पर जा सकते हैं, फिर डिसाइड नहीं किया, लेकिन आसपास ही कहीं जाएंगे। तो आसपास में कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर बता मेरे को? एक अलीबाग है, एक लोनावला है, एक इगतपुरी है, एक अपना दमन साइड है। तो देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, लेकिन कल निकलेंगे फॉर श्योर। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने में अच्छा लगा होगा, काफी लोग वेट कर रहे थे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब एकदम बढ़िया बढ़िया। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे। थोड़ा सा एक्शन ज्यादा, एक्शन पहले हो गया बाद में वर्ड निकला, ऐसे होना चाहिए। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव लाइफ, लिव अ ड्रीम। कल जाएंगे। ये स्नीक पिक, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे बाबा तू क्या फोकस भी नहीं पकड़ रहा है, कैसे बनेगा इम्तियाज अली?